नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन एनवायरनमेंट। इन दिस लेक्चर वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट बायो रिमीडिएशन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बायो रेमेडिएशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर को खत्म करने के बाद आप क्या क्या चीजें समझ लोगे। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे बायो रेमेडिएशन के बारे में कि ये क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको कि रिडॉक्स बोलते हैं, ये कैसे केमिकल रिएक्शन की बात करता है। फिर मैं आपको इसकी कुछ प्रोसेसेस बताऊंगा कि इनसाइटु बायोरेमेडिएशन क्या होता है। इसी के साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उसी के बाद एक्ससाइटु बायोरेमेडिएशन के बारे में बता के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा बायोरेमेडिएशन के। बट टू स्टार्ट दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू शो यू अ वीडियो। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं मेरी सिटी, मेरे इंदौर का, जो कि स्वच्छ भारत में लगातार थर्ड टाइम फर्स्ट रैंक पे आया है। हाउ वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ बायो रेमेडिएशन, हाउ वी आर ट्रीटिंग आर सॉलिड वेस्ट। सो हैव अ लुक एट दिस वीडियो। नगर निगम इंदौर द्वारा ट्रेंचिंग ग्राउंड पर वर्षों से डंप किए हुए 12 लाख टन से अधिक 70 से 80 साल पुराने कचरे को बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया द्वारा उपचारित कर सॉइल में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले ओल्ड वेस्ट डंप्स को लूज कर बायो कल्चर का छिड़काव किया जाता है तथा विंडरोज बनाकर 10 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि कंपोस्टिंग प्रक्रिया बढ़ाने वाले जीवाणुओं की वृद्धि हो सके। उसके बाद इस वेस्ट की स्क्रीनिंग व छनाई के बाद उच्च गुणवत्ता की मिट्टी या सॉइल प्राप्त होती है। इस मिट्टी को बायो रेमेडाइज्ड एरिया में फैलाकर हरित क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे रोपकर हरियाली स्थापित की जा रही है। साथ ही इस प्रक्रिया से निकलने वाले इनर्ट वेस्ट का भी इंजीनियर्ड लैंडफिल में भराव किया जाता है। इस साल लगभग 1 लाख क्यूबिक मीटर ओल्ड डंप्ड वेस्ट को बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया द्वारा उपचारित किया गया है तथा संपूर्ण पुराने वेस्ट को अगले 4 वर्षों में उपचारित कर हरित क्षेत्र में परिवर्तित करने की वर्षवार कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपके लिए बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको जल्दी से इसको समअप कर देता हूं पूरे वीडियो को। देखो दोस्त, बायो रेमेडिएशन क्या होता है। बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके, अब किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखो यूपीएससी ऐसे पूछेगा आपसे, यहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई आएंगे। क्यों? क्योंकि यही दोनों डिकम्पोजर्स होते हैं। अब माइट बी पॉसिबल बायो रेमेडिएशन का क्वेश्चन देते हुए यूपीएससी आपको वायरस भी दे दे, तो वो आपको गलत करना है। तो बायो रेमेडिएशन में आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके जो एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स होते हैं, जिसको आप पॉल्यूटेंट भी बोल सकते हो, टॉक्सिक एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, हम उनको कन्वर्ट करते हैं या तो लेस टॉक्सिक फॉर्म में, जैसा आपने वीडियो में देखा वहां पे हम पूरा ट्रीट नहीं कर पा रहे, तो हम लेस टॉक्सिक फॉर्म में बहुत सारी चीजों को, जिसमें आपने देखा ना सॉइल बना लेते हैं हम, तो लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं या नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। और वो कैसे करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम हमारे वेस्ट पे छोड़ देते हैं और ये फर्दर इनको डिकम्पोज करते हैं। देखो ये आपको बायो रेमेडिएशन के पिक्टोरियल ग्राफ से भी समझ में आएगा, यहाँ पे फंजाई है, यहाँ पे बैक्टीरिया है और फाइनली ग्रीन अर्थ। तो देखो दोस्त, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब आपका सवाल होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आए ये भी बताओ। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे इंडिजीनियस भी हो सकते हैं, जहां वो कंटेमिनेटेड एरिया है वहां पे कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, फंजाई होंगे, मगर वो सफिशिएंट नहीं होते। एम्पल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई होने चाहिए ताकि आपका जो पूरी कंटेमिनेटेड साइट है वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो या तो उनको आप कहीं बाहर से लाके उस कंटेमिनेटेड साइट पर रख दोगे, या फिर वो कुछ वहीं पर आप ऐसी प्रोसेस करोगे, हम आगे फ्यूचर साइड में देखेंगे कि बैक्टीरिया और फंजाई का डेवलपमेंट वहीं हो जाए। तो हमको बायो रेमेडिएशन की प्रोसेस अगर समझनी है तो एक जो प्रोसेस है ये कैसे होती है, ये होती है रिडॉक्स, जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं सॉइल और ग्राउंड वाटर दोनों में। दोस्तों, इस रिडॉक्स के थ्रू आप अपनी बायो रेमेडिएशन की प्रोसेस को मेजर भी कर सकते हो, या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इस चीज के थ्रू ये प्रोसेस चलती है। अब आपको ये समझ में आ नहीं रहा होगा, बहुत टफ वर्ड लग रहा होगा, रिडॉक्स क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। देखो बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। तो बेसिकली ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स आर चेंज। अब माइट बी पॉसिबल ये भी आपको समझ नहीं आया हो, मैं और लेमन टर्म्स में लेके चलता हूं। तो बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बीच में होंगे,
बिटवीन केमिकल स्पीशीज। और ये केमिकल स्पीशीज के बीच में कैसे होंगे? बेसिकली एक जो स्पीशी है उसका होगा ऑक्सीडेशन, और ऑब्वियसली क्योंकि एक स्पीशी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरी स्पीशी का होगा रिडक्शन। इस चीज को, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब बहुत आसान सी बात है, इन केमिकल स्पीशीज मतलब इनमें जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है जितना रिडक्शन हो रहा है, अगर आप इसको देख लो अलॉन्ग विथ पीएच टेम्परेचर ऑक्सीजन कंटेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनेटर कंसेंट्रेशन, तो आप देख सकते हो कि बायोरिमिनेशन की प्रोसेस जो है इसको मॉनिटर भी कर सकते हो कि कैसी चल रही है और ये कैसे हो रही है। तो ये हमने बायोरिमिनेशन समझ लिया, बहुत ही आसान सी बात थी, वीडियो देख लिया कि हमारे यहाँ जो वेस्ट होता है सॉलिड वेस्ट उसको ट्रीट करने की एक प्रोसेस है, प्रोसेस कैसे चल रही है, बैक्टीरिया फंजाय हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, रिडॉक्स क्या होती है वो हमने समझ लिया। अब क्या होता है, दो तरीके से बायोरिमिनेशन की प्रोसेस होती है, जो ये आप देख रहे हो ये होती है इन साइटो बायो रेमेडिएशन, मतलब कि जो कचरा है जो सॉलिड वेस्ट है वो जहां पे है वहीं पे उसको ट्रीट कर देंगे हम, तो इसको क्या बोलेंगे इन साइटो। इंडोर से समझ सकते हो आप, इट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ द कंटेमिनेटेड मटेरियल एट द साइट, साइट पे ही कंटेमिनेटेड मटेरियल को ट्रीट करने वाली प्रोसेस को बोलेंगे इन साइटो बायो रेमेडिएशन। बहुत ही आसान सी बात थी, जिसमें सबसे पहली इन साइटो बायो रेमेडिएशन प्रोसेस आती है बायो इन्वेंटिंग की। देखो यहां पे क्या होगा दोस्तों, सप्लाई करेंगे हम एयर की और न्यूट्रिएंट्स की थ्रू वेल्स, और किसमें करेंगे सॉइल में। क्यों करेंगे? अगेन वही, ताकि इंडिजीनियस बैक्टीरिया जो वहां पे ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनकी हम ग्रोथ बढ़ा पाए। और ये चीज कहां पे यूज की जाती है, जहां पे कंटेमिनेशन जो है वो डीप अंडर द सर्फेस होता है। अब आपको देखना होगी ये प्रोसेस, तो देखिए मैंने आपके लिए यहां लिख भी बना भी दिया है डायग्राम। जैसे बायो इन्वेंटिंग की जो प्रोसेस है ये देखो कैसे चलती है, यहाँ पे आपको पंप दिख रहा होगा, ये देखो एयर फ्लो के थ्रू हम यहाँ पे जो सॉइल है कंटेमिनेटेड देखो दिख रही है आपको, यहाँ पे हम सॉइल भेज रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर भी भेज रहे हैं, और यहां से भी एयर फ्लो हम भेज रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हम बायो इन्वेंटिंग की प्रोसेस से रेमेडिएशन बायो रेमेडिएशन करते हैं। सेकेंड वन इज बायो स्पार्जिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी जो एयर है उसका इंजेक्शन करते हैं अंडर प्रेशर, मतलब प्रेशर के थ्रू एयर को इंसर्ट करते हैं। कहां करते हैं? ये करते हैं हम बिलो द वॉटर टेबल। क्यों करते हैं? अगेन ग्राउंड वॉटर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। अब आपका सवाल होगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्यों बढ़ाना है? आपको पता है ना दोस्त कि बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करता है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन होना भी चाहिए। तो क्या होगा, ये रेट ऑफ बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया और अच्छा से ज्यादा खाने लग जाएंगे, तो कंटेमिनेंट जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। बहुत आसान सी प्रोसेस थी, तो जल्दी से मैं इसका आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूं। देखो ये रहता है हाई प्रेशर पंप, ये देखो ये एयर विथ न्यूट्रिएंट्स आ गया, और ये था आपका पूरा पॉल्यूटेड एरिया जो आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से ये चीज काम करती है। फिर थर्ड प्रोसेस आती है इनसाइड टू बायो रेमेडिएशन में बायो ऑगमेंटेशन, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको इंपोर्ट किया जाता है कंटेमिनेटेड साइट पे, ताकि डिग्रेडेशन प्रोसेस को एनहेंस किया जा सके। इसका कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत आसान सी बात है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाके आप छिड़काव कर रहे हो, जैसा आपने उस वीडियो में भी देखा था, सिंपल सा आप इतना मान सकते हो। अब बात करते हैं एक्साइटो बायो रेमेडिएशन की। नाम से समझ में आ रहा है ये कैसे रिमूव करेगा कंटेमिनेटेड मटेरियल को, या नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेगा। इसको दूसरी जगह ले जाके अगर हम ट्रीट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एक्साइटो बायो रेमेडिएशन। अब देखो इसके चार टाइप होते हैं, लैंड फार्मिंग, बायो पाइल्स, बायो रिएक्टर्स और कंपोस्टिंग। इसमें लैंड फार्मिंग में क्या करते हैं, हम जो हमारी कंटेमिनेटेड सॉइल होती है ना दोस्त, उसको एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेट आपने जब हरप्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था तो एक्सकेवेशन बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, ये उसी टाइप का एक्सकेवेशन है। और उसको स्प्रेड कर देते हैं किस पे, एक लैंड एरिया, एक बेड पे, और उसको पीरियोडिकली हम लोग टिल करते हैं जब तक कि पॉल्यूटेंट्स डिग्रेड ना हो जाए। सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए। और इसका गोल जो रहता है वो क्या होता है कि इंडिजीनियस बायोडिग्रेडेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको हम फैसिलिटेट कर पाए और बढ़ा पाए, तो ये होता है। दूसरा होता है बायोपाइल, ये हाइब्रिड टाइप की लैंड फार्मिंग होती है, जो लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग को हाइब्रिड वर्जन में कन्वर्ट करते हैं। इसमें इंजीनियर्ड सेल्स जो होते हैं उसको बना के कंटेमिनेटेड वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, और जनरली पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के जो कंटेमिनेंट्स होते हैं सरफेस कंटेमिनेंट्स उनको ट्रीट करने के काम आता है। ज्यादा इलेबोरेटली हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम पढ़ के अगर एक एक वर्ड याद रह गया डेट इज मोर देन इनफ, वी आर नॉट डूइंग पीएचडी हियर, ओके। उसके बाद आएगा बायो रिएक्टर्स। इसमें क्या होगा कि कंटेमिनेटेड सॉइल मटेरियल जो है, जैसे सेडिमेंट हो गया, स्लज हो गया, सॉइल हो गया, या फिर वाटर हो गया,
इसको एक इंजीनियर्ड कंटेनमेंट सिस्टम के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। फिर होता है कंपोस्टिंग, ये तो बहुत ही आसान है, नेचर की प्रोसेस होती है खुद से रिसाइकल करने की, डिकम्पोज करने की ऑर्गेनिक मटेरियल को इनटू अ रिच सॉइल, जिसको बोलते हैं हम कंपोस्ट। कंपोस्टिंग तो हम सबने देखी हुई है, और जब हम बचपन में पढ़ते थे कि देखो कैसे अर्थवर्म जो है वो कंपोस्टिंग में हेल्प करते हैं, तो अब आपको समझ आ ही गया होगा। अब जल्दी से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। तो एडवांटेजेस में है कि दोस्तों इसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन जो होता है, बहुत से वाइड वैरायटी ऑफ कंटेमिनेंट्स वो पॉसिबल होते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे ऑल क्यों नहीं लिखा या कोई भी ऐसा एग्जरेटेड वर्ड, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना दोस्तों बायो रेमेडिएशन के थ्रू जैसे आपका कैडमियम हो गया, जैसे आपका लेड हो गया, इनको ट्रीट नहीं कर सकते। अब आपका सवाल होगा कि इनको ट्रीट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये हैवी मटेरियल्स होते हैं। अब आपको समझ में आया, जो आपका ई वेस्ट होता है, जो आप आपके हार्डवेयर इतने सारे यूज करते हो ना, उन पॉल्यूटेंट्स को इसके थ्रू आप ट्रीट भी नहीं कर सकते, इसलिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। और फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख भी दिया कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट पॉल्यूटेंट्स इज पॉसिबल, मतलब कुछ को पूरा कर भी सकते हैं, और हाँ लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। और जहां तक मुझे पता है, मैंने क्या किया था इंदौर के प्लांट में, वहां पे 450 मीटर पर क्यूब में जो कॉस्टिंग आती है वो आती है ट्रीटमेंट की, तो ये आप 450 तो आप देख सकते हो कि बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है और साथ ही एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। वीडियो जब आपने देखा तो आपने देखा ही था उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, सनफ्लावर दिखे होंगे आपको, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद पढ़ लेते हैं डिसएडवांटेजेस। जैसा हमने सबसे पहला पढ़ा कि हैवी मेटल्स ट्रीट नहीं कर सकते, तो ट्रीट किसको करोगे, जो बायोडिग्रेडेबल है सिर्फ उन्हीं को ट्रीट किया जा सकता है, सारे कंपाउंड्स को ट्रीट नहीं किया जा सकता। उसी के बाद में इसमें जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लगता है नॉर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस से। उसी के बाद में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चाहिए होती है इन प्रोसेसेस में। सो दोस्तों ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, हम सॉलिड वेस्ट का भी एक पूरा अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए, सारे पॉल्यूटेंट्स का, उनके जितनी भी रेमेडिएशन हैं वो सारे आपको मैं बताऊंगा एक वीडियो में। मगर बायो रेमेडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूपीएससी बहुत कंसर्न रहता है इस टॉपिक के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, सो दैट यू कैन हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स ऑन दिस टॉपिक। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग।